सो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. आज मैं आया हूँ जुकाम अभी भी है यार, मैं भी आया हूँ ग्रीन हाउस पेट कैफ़े में. मेरे ख्याल से कोलकाता में 3 पेट कैफ़े हैं, इसका शायद 2 आउटलेट है और वुड हाउस का शायद 1 ही है. तो आई एम नॉट श्योर, अगर तुम लोग को कोई और पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. और ये वीडियो मस्त होने वाला है तो अभी लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ तुम देख पाओ. तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो टेक केयर करते हैं प्लेस का? टोटल हम लोग 11 से 12 लोग हैं. ओके, और मैंने देखा था वो उन भैया ने बताया था कि दो जो डॉग्स है, एक हस्की है और एक बुलडॉग है, तो वो अनिरोन सर के. ओके, तो आज आएंगे अभी? ओके ओके. सो यहाँ पे जो आपका सेक्शन है, यहाँ पे क्या अल्कोहलिक सेक्शन है? नॉन अल्कोहलिक भी मिलता है. ओके, और आपका दूसरा जो आउटलेट बोला उसका लोकेशन? साउथ में आपका सदन एवेन्यू. अच्छा, आपका गोरिया में. तो पहले ये खुला था या पहले वो खुला? पहले एक एक ये खुला, ये 1.5 साल हो गया है. हाँ, और वो वाला आपका 8-9 महीने. अच्छा अच्छा, मतलब आउटलेट का सेम ही टाइप का है या फिर डिफरेंट दिखता है? थोड़ा डिफरेंट है. ओके, बुक सेक्शन मैंने देखा, यहाँ पे बुक सेक्शन है और यहाँ पे एक डॉग सेक्शन है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. तो बुक सेक्शन के खरीदते हैं लोग या फिर पढ़ने के लिए? अच्छा, गेम भी है उधर. गेम सेक्शन भी है? ओके ओके, पेट्स के लिए या फिर सब के लिए? हाँ, सब. ओके ओके, सो बहुत अच्छी है जगह है, तो बाद में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, पहले थोड़ा खा पी लेते हैं. और आप लोग का जो मेनू, इन लोग बोल रहे हैं कि इन लोग का 1 हफ्ते बाद शायद, या डेट्स अभी तक बताया नहीं है, 1 हफ्ते बाद शायद इन लोगों का नया मेनू लॉन्च होने वाला है. तो मैं अभी दिखा दूंगा क्योंकि वीडियो तो बाद में आ जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर आके वो सब मेनूज मिल जाएंगे. तो यहाँ पे 2 डॉग्स है और ये उनका एरिया है खेलने का. ही इज हिटिंग मी विद हिज लेग, नॉट विद हिज टेल. तो और जो डॉग्स है, 2 और डॉग्स हैं, वो जो यहाँ का ओनर है अनिर्बन सर, उनका है. तो वो आते हैं तो और 2 डॉग्स को ले आते हैं. एक से है, एक है बुलडॉग है और ब्रिटिश बुलडॉग है और एक साइडर हस्की है. ओके, हस्की है. हस्की देखने का बहुत मन है मेरा, मतलब जब से मैंने सिर्फ टीवी में ही देखा है उसको. तो वो आज आएंगे? आज नहीं, वो साउथ में. अच्छा अच्छा, साउथ के वो उस आउटलेट में. हाय, तो सर ये बहुत फ्रेंडली है सर, एक मिनट थोड़ा एग्रेसिव हो जा रहा है इस बीच में. ये ना, मुझे अब भूख बहुत लगा है एंड थैंक्स टू ग्रीन हाउस पेट कैफ़े की ये जो 3 डिश आपने देखा जो कि ना इस मंडे से, मतलब आज से 2 दिन बाद लॉन्च हो जाएगा. तो आप जब ये वीडियो देखोगे तब तक ये लॉन्च हो चुका है, तो इन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड कर दिया इस वीडियो के लिए. तो
थैंक्स टू देम ऑब्वियसली. और आपको अब बता भी पाऊंगा कि ये न्यू मेनू है कैसे खाने में. सो स्टार्टिंग विद, अब थोड़ा ठंडे हो गया, कोई बात नहीं. स्टार्टिंग विद क्या नाम था इसका, कुछ ऑनियन रिंग्स नाम भूल गया इसका दो मिनट में नाम भूल गया, ऑनियन रिंग्स समथिंग. ओके, ये मतलब अब प्याज का जो है कटिंग होता है उसमें कुछ मसाला वसाला डाल के समथिंग फ्राई करके बनाया हुआ है, एंड अलोंग विद दिस सॉस बहुत अच्छा है. गला सूख गया पूरा, इससे खांसी आ रहा है, बट इट टेस्ट रियली नाइस. तो इसके बाद आता है क्या कहते हैं इसको, थिक मैक्सिकानो टमाटो सूप. तो इसमें कुछ ब्रेड चंक्स है, ब्रेड चंक्स और द सूप. बहुत अच्छा है सूप का जो टेस्ट आ रहा है ना, इज रियली नाइस. मतलब कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि इसके तरह है या उसके तरह है, बट इट्स रियली नाइस. तुम आओ और ये तीनों डिश ट्राई करो. पहले इन दोनों को मैं खा लेता हूँ, फिर मोमो को हिट करेंगे, ठीक है. तो अभी ये खाते खाते 15 मिनट हो गया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बट स्टीम्ड मोमो अभी भी बाकी है. अब ये शायद ठंडा, हाँ ठंडा हो गया है, बट चलो खा के देखते हैं. 5 पीस में आता है, प्राइसेस आई कैन नॉट डिस्क्लोज ओवर हियर, बट और पता भी नहीं है मेरे को सच्ची में, क्योंकि ये तो सारे वो लोग फ्री में दे रहे हैं, बट शर्म आ रही है फ्री में खाने में. तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो इसमें जो डिप है, डिप है खाने, सच बता रहा हूँ आई एम नॉट ए मोमो लवर. मोमो खाना एकदम अच्छा नहीं लगता मेरे पर्सनली, मतलब ये क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लगता बस. बट ये मोमो जो है चिकन मोमो है, इसका जो स्टफिंग्स है देख पा रहे हो, ये बहुत अच्छा है, टेस्टी भी है, एंड जो मसाला है ना वो अंदर तक गया है. दिस इज़ अ वेरी नाइस डिश. मतलब ये तीनों है मुझे ये सबसे अच्छा लगा, और चिकन रिंग्स नहीं, वो ऑनियन रिंग्स वो भी बहुत अच्छा है, बट दिस इज़ द बेस्ट. वाओ, यू शुड डेफिनेटली कम हियर, सही माना चाहिए तुम्हें. तब एक कैफ़े में आ रहे हो, पूरा खा रहे हो, एक मॉकटेल नहीं है तो मन नहीं भरता है, पेट भर गया फिर भी मन नहीं भरता है. तो यहाँ पे मॉकटेल का सेक्शन है, मेनू कार्ड है, तो ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं मॉकटेल सेक्शन में, बट जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, एंड यू कैन टॉक टू देम. अगर तुमको खुद से कुछ पसंद है और इनके पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है तो ये बना देंगे जैसे मैं बनवा रहा हूँ. बहुत ठंडा है यार, बहुत अच्छा टेस्ट है, एंड द सर्विंग इज़ रियली नाइस. ये देख सकते हो धुआं भी कहाँ ख़त्म हो गया है, बट इट्स रियली नाइस. तो यहाँ का जो एड्रेस है, मैं बोलना भूल गया था, एड्रेस एंड ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में है. और ये ब्रांडी मेरे को घूर रहा है, देखो कैसे घूर रहा है. ग्रीन हाउस पेट कैफे बहुत अच्छी जगह है, और ये अभी मेरे को देख रहे हैं ये दोनों. सो ये आपका रोज़ खुला रहता है या कोई बंद होता है आपका दिन? रोज़ खुला है, सुबह कितने बजे से? 11 बजे से 11:30 खुला रहता है. और मैं थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ आपको कि कैसा दिखता है. लाइक मेरे को जब फर्स्ट मैं आया तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि ढूंढने में, बिकॉज आई केम फ्रॉम द स्टेशन रोड, तो वहाँ से ऑटो पकड़ के आया था. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम हियर. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ओवर देयर, और कमेंट्स में बताना कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा. और ये जो जेस्चर इन्होंने दिखाया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स नहीं दिखाते हैं ये पता होते हुए भी कि इनका ही प्रमोशन हो रहा है. लाइक फूड ब्लॉगर्स, मैं खुद को फूड ब्लॉगर तो नहीं कहूँगा, बट आई एम जस्ट अ ब्लॉगर, लाइफस्टाइल ब्लॉगर. तो आता हूँ मैं, या फिर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आते हैं इनके लिए, मतलब खुद के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, बट फ़ायदा तो इनका ही होता है ना. मतलब जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हो या फिर जिस भी जगह जा रहे हो, इनका ही फ़ायदा होता है. तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे ये जेस्चर नहीं दिखाते जो इन्होंने दिखाया है,
सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ये आज खाना हमको स्पॉन्सर किया एंड वट एवर दे डिड इज वेरी नाइस ऑफ देम वेरी गुड जेस्चर और प्लीज़ यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जितना सब्सक्राइब करोगे उतने मैं ज़्यादा जगह में जाऊँगा एंड आई विल मेक रिव्यूज़ ओवर देयर बताऊँगा आप लोगों को कि ऐसा है आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो टिल दैट आई मे अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल चैनल अनरैप जिंदगी थैंक यू मैं अभी थोड़ा अंदर जाता हूँ हाँ सामान पैक करके निकल जाएंगे